क्योंकि अभी मैदान ने जो बाजी मार के रखी है ना, वो एक अलग ही लेवल है। मतलब दोनों भी फिल्मों का हाल आई एग्री कि अच्छा नहीं है, पर अगर एक ही जैसे स्क्रीन होते ना तो शायद कुछ अलग ही रहता। पिछले वीक में ऐसा देखने को मिल रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि फ्राइडे मैदान का बेटर था बड़े मियाँ छोटे मियाँ से, सैटरडे भी ऐसा लग रहा है कि है, और संडे तो गारंटी होगा बॉस। यस, इट्स नॉट अ जोक, मैं आपको एक क्लियर बता देता हूँ। अब देखो क्या सीन क्या हुआ है। देखो कि अब इक्वल स्क्रीन से जो स्क्रीन से ना, वो दोनों को इक्वल है। मैं आपको 10वें दिन का एक सीन बता देता हूँ कि जो मैदान को लेके अगर हम बात करें, ऑक्यूपेंसी की भी बात कर लेते हैं। ऑक्यूपेंसी थी सुबह की 9.63, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ की भी ऑक्यूपेंसी की बात कर लेते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अक्षय कुमार के फैंस ने अक्षय कुमार की फिल्म को इस हद तक नहीं सपोर्ट किया, ये बात बहुत ज़रूरी है बताना। शायद अगले टाइम पे अक्षय कुमार सर के फैंस पूरा सपोर्ट दे फिल्म को ये, क्योंकि जो सरफिरा की बात आप कर रहे हो एट प्रेजेंट, हाइप बढ़नी चाहिए। अब देखो सुबह का जो मैदान का था वो 9% के ऊपर ऑक्यूपेंसी था, लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ का सिर्फ 7% है। आफ्टरनून का ऑक्यूपेंसी 19% गया, मैदान का बड़े मियाँ छोटे मियाँ का 10% ही रहा। इवनिंग का 23% है और मैदान का, और 13% है बड़े मियाँ छोटे मियाँ का। मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि जो एवरेज ऑक्यूपेंसी है वो सिर्फ 10% है बड़े मियाँ छोटे मियाँ का, हालांकि 17% है मैदान का। और अब इतने इक्वल शोज हुए हैं ना कि आज डेफिनेटली मैदान बाजी मार रही है। जी हाँ, एट प्रेजेंट भी अगर कलेक्शन की बात करें तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ है 1.3 करोड़ पे, हालांकि मैदान है 1.9 करोड़ पे। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। मतलब अगर मैं आज कट टू कट बात करूँ, अगर 2.25 करोड़ का बिजनेस देखने को मिलता है हमें मैदान का, तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का सिर्फ 1.75 करोड़ देखने को मिलेगा। 50 लाख मैदान आगे होगी। एंड कल की अगर मैं बात करूँ तो कल भी हमें उससे ज़्यादा मार्जिन देखने को मिलेगा, लगभग 1.5 करोड़ मैदान आगे दिखेगी। इसके लास्ट अगर टोटल की बात करें, टोटल वाइज देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग टोटल वाइज बात नहीं करें तो बेटर है, दोनों भी फिल्में जो है अब वो चलने नहीं वाली है। मतलब जो फैक्ट है वो फैक्ट है, क्योंकि भाई जहाँ पे आप लोगों ने सपोर्ट करना था ना पहले वीक में, वो नहीं हो पाए। अब यहाँ पे ना वो बोलते हैं ना कि भाई जब 6 बॉल्स में 50 रन चाहिए होते तो वाइड नो वगैरह वो कभी होता नहीं है। ये सिर्फ ख्याली पुला है कि शायद सामने वाला वाइड डाल दे, नो बॉल डाल दे, फ्री हिट मिल जाए, ये नहीं है पॉसिबल। वो वाला सीन है मैदान का भी। आपने पहले ही, मैं बोल रहा था कि इतनी अच्छी फिल्म है, आप इग्नोर मत करो, भोला के जैसा सपोर्ट करो। उस टाइम पे आपने सुनी थी बात, इस बार बिल्कुल नहीं सुनी। ये रिजल्ट देखने को मिला है। ये अच्छी बात है कि मैदान अच्छा कर रही है, लेकिन बुरी बात यह है कि उसका कुछ हो नहीं रहा है। मतलब टोटल कलेक्शन आपने पहले वीक में अगर और 20 करोड़ दे दिया रहता ना इस फिल्म को, यह फिल्म का नतीजा और होता। पर हाँ, इसका बजट भी ज़्यादा है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ओवरऑल सपोर्ट नहीं मिला है, ये बात सही है। तो मैं कट टू कट बात करूँ तो भाई देखो 52-53 करोड़ के आसपास हमें बड़े मियाँ छोटे मियाँ कल तक देखने को मिलेगी, 54 करोड़ मान के चलो, और मैदान हमें 32-33 करोड़ देखने को मिलेगी। डेफिनेटली बड़े मियाँ छोटे मियाँ कलेक्शन वाइज आगे है, पर लास्ट के 3 दिन से जब से मैदान ने बाजी मारी है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ बहुत पीछे निकल गई है। सेम स्क्रीन जब से हुए है तब से। पहले ही काश मैदान को भी अच्छे स्क्रीन मिल जाते तो हमें कुछ नज़र और देखने को मिलता। भाई बोनी कपूर अंकल जी, आपने तगड़े स्क्रीन लेने चाहिए थे यार फिल्म को। खैर चलो जो भी है।